तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर, हम पे छापे मारकर, हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने की डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है ये? राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, ये पीएसयू किसके हैं, किसके लिए बनाए गए, आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए?